Good morning, students. Once again, I am back with the video of for tenth class, chapter three, the Midnight Visitor. As we have started this chapter, is about uh, secret agent, a spy, Ozaville follower, and there was another one, Max. Okay. लेसन स्टार्ट बालकनी की बात हो रही थी बालकनी पे वो दो रास्ते उस रूम में एंटर करने के लिए पता चल गया था किसको मैक्स को कि बालकनी से भी होकर आ सकते हैं और उसके पास तो ऑलरेडी एक पास की था ओके आफ्टर दैट वे विल कंटिन्यू इट इज़ नॉट माय बालकनी ओजा विल सेड विथ एक्सट्रीम एरिटेशन मतलब कि वो बालकनी मेरे आ, मेरे हिस्से में नहीं है मतलब मेरा उस पर हक नहीं है मैंने बालकनी का बालकनी नहीं ले रखा है सिर्फ एक छोटा सा रूम ले रखा है इस होटल में और वो मेरा नहीं है उधर से क्यों आते हैं कोई ऐसा उसको गुस्सा भी हो रहा था इरीटेशन इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट वो बालकनी जो है दूसरे अपार्टमेंट का है ही ग्लैंस्ड एक्सप्ल एक्सप्ल्टरली एट फॉलर फॉलर को एक्सप्लेन करते हुए वो कह रहा है कि वो मेरा नहीं है वो दूसरे अपार्टमेंट का है यू सी ही सेड दिस रूम यूज़ टू बी अ पार्ट ऑफ लार्ज यूनिट अब वो कह रहा है ओजावेल कि ये रूम जो था वो एक बड़े से हिस्से का एक यूनिट था एंड द नेक्स्ट रूम थ्रू दैट डोर देयर अब दरवाज़ा की तरफ दिखा रहा है कि वो वहाँ पर एक दरवाज़ा था उस डोर से जाते थे हम लोग दूसरे पार्ट में यूज टू बी द लिविंग रूम और वो एक लिविंग रूम हुआ करता था इट हैड द बालकनी और उसका बालकनी था विच एक्सटेंड अंडर माई विंडो नाउ और जो बालकनी अभी मेरे विंडो के तरफ एक्सटेंड है बढ़ा हुआ है यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द मैनेजमेंट प्रोमिस टू ब्लॉक इट ऑफ और जब भी मैंने कंप्लेन किया था तो मैनेजमेंट ने प्रॉमिस किया था कि मैं इस बालकनी को ब्लॉक कर दूंगा। बट दे हैवंट लेकिन वो अभी तक ब्लॉक नहीं किए हैं मैक्स ग्लैंसड एट फॉलर मैक्स जो है फॉलर की तरफ देख रहा है हु वॉज स्टैंडिंग स्टिफली स्टिफली मतलब विदाउट एनी मूवमेंट एकदम रिजिड होकर के वो वहाँ पे खड़ा था डर के मारे नॉट फार फ्रॉम ओजावेल और ओजावेल से दूरी दूर पे नहीं था जस्ट लाइक दिस यू कैन सी इन द पिक्चर ओके आफ्टर दैट एंड वेव्ड द गन विद अ कमांडिंग गेस्चर सिग्नल दे रहा था गन से उस फॉलोअर को क्या कह रहा था प्लीज सिट डाउन ही सेड वी हैव अ वेट फॉर एन आवर आई थिंक अब वो कह रहा है आप भी बैठ जाओ क्योंकि हम लोगों को शायद आधा घंटा और रुकना पड़ेगा अब थर्टी वन मिनट्स ओजा बेल सेड मोडी ली अब ओजा बेल कह रहा है थर्टी वन मिनट वेट करना पड़ेगा द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर ट्वेल्व थर्टी और ये अपॉइंटमेंट जो है हमारा जो रिपोर्ट का एक्सचेंज होगा ओजा के पास आएंगे वो ट्वेल्व थर्टी का अपॉइंटमेंट है आई विस्ट आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स अब ये जानना चाह रहा है ओजा कि तुमको रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला द लिटिल स्पाई स्माइल्ड ईविली मतलब बहुत ही Uh, बेवकूफ की तरह इस्माइल दे रहा है और वो कहता है एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट और वो कह रहा है और हम ये जानना चाहते हैं कि आपके पास ये रिपोर्ट कैसे आएगा क्यों आएगा ये जानना चाहता है बट नो हार्म हैज़ बिन डन और कोई हार्म भी नहीं होगा आई विल गेट इट बैक टू नाइट वट इज़ दैट हु इज़ एट द डोर अब जब सब में बात हो ही रही है तो वो कह रहा है कि आज तो मैं आपसे रिपोर्ट ले ही लूँगा लेकिन वो क्या है डोर पर कौन है दरवाजे पे कौन है इसका मतलब दरवाज़ा नॉक हो रहा होगा तभी के तभी जब ये लोग बातें कर रहे हैं फॉलर जम्प्ट ऐट सडन नाकिंग ऐट द डर फॉलर जो है वो और डर गया अचानक से जो दरवाजे पे नॉकिंग हुआ तो ओजा जस्ट अ स्माइल्ड ओजा स्माइल कर रहा है क्योंकि उसको पता होगा कौन होगा दैट विल बी द पुलिस वो कह रहा है कि वो पुलिस हो सकता है ही सेड आई थॉट दैट सच एन इम्पॉर्टेंट पेपर एज दैट वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन अब शायद हो सकता है औज़ा ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया होगा कि मेरे ऊपर निगरानी रखने को क्योंकि उसके पास कुछ कॉन्फिडेंशियल पेपर्स हैं तो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरी थिंग वॉज ऑल राइट हाँ क्लियरली यहाँ पर कह दिया है औजाबल ने कि मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया था कि मेरे ऊपर नज़र रखने के लिए कि सब कुछ सही चल रहा है या नहीं आखिर वो एक कॉन्फिडेंशियल पेपर की बात थी ना इसलिए पुलिस को इन्फॉर्म करना ज़रूरी था मैक्स बिट हिज़ लिप नर्वसली बिट हिज़ लिप मतलब कन्फ्यूज़ है अपने ओठों को दांतों तरह दबा रहा है वो और नर्वस है द नॉकिंग वॉज़ रिपीटेड और दरवाजे पे जो दस्तक हो रही थी वो रिपीटेड हो ही रही थी वॉट विल यू डू नाउ मैक्स ओजाबेल आस्क ओजाबल उससे पूछ रहा है मैक्स से अब तुम क्या करोगे मैक्स इफ़ आई डोंट आंसर द डोर दे विल एंटर एनी वे अगर मैं दरवाजे पर जो नॉक हो रहा है उसको आंसर ना करूँ तो वो किसी भी तरह से तो एंटर कर ही लेंगे बिकॉज़ दे आर द पुलिस द डोर इज़ अनलॉक्ड एंड देन एंड दे विल नॉट hesitate टू शूट यू दरवाज़ा को तोड़ दिया जाएगा और वो लोग हेज़िटेट नहीं होंगे तुमको तो shoot शूट करने से हेज़िटेट करेंगे नहीं तो जो करना है फटाफट करो ऐसा वो कह रहे होंगे मैक्स फेस was ब्लैक with एंगर गुस्से से उसका काला पड़ गया काला क्यों हुआ हम लोग तो ये सुने हैं कि एंगर में फ़ेस रेड हो जाता है लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है ब्लैक विथ एंगर इसका मतलब क्या वो डर गया था क्या करें क्या नहीं करें कन्फ्यूज था दैट्स वाई हेयर इज़ ब्लैक विथ एंगर एज ही बैकड स्विफ्टली टुअर्ड द विंडो अब वो विंडो के तरफ जा रहा है स्विफ्टली बड़े ही तेज़ी से और विंडो की तरफ क्यों जा रहा है क्योंकि ऑलरेडी उसको पता चल गया है देर वॉज अ बालकनी ही विल हाइड हिमसेल्फ देयर एंड आफ्टर द पुलिस विल गो ही विल गेट द रिपोर्ट फ्रॉम ओजावेल दैट्स वाई ही मूव देयर ही स्वंग अ लेग ओवर द शील शील यहाँ पर है विंडो के पास में जो दीवार होती है मतलब जिसको हम क्रॉस करेंगे उस पार जाएंगे विंडो के उस पार तो उसको शील कहा गया है सेंड दम अवे और वो कह रहा है कि उन लोगों को बाहर भेजो ही वार्नड वार्निंग दिया उसको ओजाविल को कि पुलिस वाले को बाहर भेज दो आई विल वेट ऑन द बाल्कनी मैं बाल्कनी में वेट कर रहा हूँ सेंड देम अवे और आई विल शूट एंड टेक माई चांसेस अगर तुमने सेंड नहीं किया तो मैं शूट करूँगा और मैं अपना मेरा जो काम है वो करूँगा द नॉकिंग एट द डर बिकम लाउडर एंड वॉइस वॉज रेज और आवाज़ भी आ रहा था नॉकिंग तो हो ही रहा था आवाज़ भी होने लगा मिस्टर ओजावेल मिस्टर ओजावेल बाहर से आवाज़ आ रही थी

विथ हिज़ फ्री हैंड मतलब जिस हैंड में कुछ नहीं था उस हाथ से उसने पकड़ा विंडो के फ्रेम को टू सपोर्ट हिमसेल्फ मतलब उस पर जाना है ना तो विंडो पे बैठ रहा है वो और उस पर जा रहा है एक हाथ से विंडो के शील को पकड़ रहा है देन ही स्वंग द अदर लेग अप एंड ओवर द विंडो सील तब दूसरा पैर वो विंडो के बाहर ले रहा है और पूरी तरह से वो विंडो शील पर बैठ गया है द डोर नॉब टर्न नॉब जानते हैं दरवाजे की जो कुंडी होती है उसको टर्न किया गया मतलब ओपन करने के लिए स्विफ्टली मैक्स पोस्ट विथ हिज लेफ्ट हैंड टू तो फ्री हिमसेल्फ अब विंडो सील से जंप करेगा वो बालकनी में तो वो अपने हाथ को छोड़ा और जंप किया एंड देन ही ड्रॉप्ड तब जाकर के वो छोड़ दिया हाथ और वो ड्रॉप किया मतलब कूद गया ही एस्क्रिम्ड वंस श्रिलली श्रीली मतलब होता है वेरी लाउड साउंड एस्क्रिम्ड मतलब होता है क्राई करना चिल्लाना बहुत ही जोरों से वो चिल्लाया जब वो जंप किया द डोर ओपनड एंड अ वेटर स्टूड देयर विद अ अस्ट्रे विद अ ट्रे अ बोटल एंड टू ग्लासेस दरवाज़ा ओपन हुआ और वहाँ पे वेटर खड़ा था क्या चीज़ लेकर के एक ट्रे एक बोतल और दो ग्लासेस हेयर इज़ द ड्रिंक यू ऑर्डर्ड फॉर व्हेन यू रिटर्न अब ये उस वेटर का स्टेटमेंट है कि यार, ये रहा आपका ड्रिंक जो कि आपने रिटर्न होने से पहले आ, रिटर्न जब हो रहे थे तभी आपने ऑर्डर किया था ही सेड एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल और टेबल पे रख दिया ट्रे को ड्रिफ्टली स्किलफुली अनकॉर्कड अनकॉर्कड मतलब बिना ओपन किए हुए विदाउट ओपनिंग द बॉटल एंड लेफ्ट द रूम और रूम से बाहर चला गया वाइट फेस्ड फॉलर एस्टेयर्ड आफ्टर हेम वाइट फेस्ड white फेस्ड क्यों कहा गया है चेहरे का रंग उड़ गया था फॉलर का बंदूक देख कर के मैक्स के हाथ में एस्टेयर्ड एट हेम मतलब उस पर घूर रहा था वो देखे जा रहा था बट ही stammered. स्टैमर्ड मतलब होता है हकलाना सटरिंग सटर होना हकला हकला करके बोलना वो कह रहा है द पुलिस po ऐसा वो कह रहा है देर वेर नो पुलिस वेल साइड मतलब एकदम रिलैक्स होकर के वो कह रहा है कि वहाँ पे कोई पुलिस नहीं था देर वॉज ओनली द वेटर हुज नेम वॉज हैंनरी ओनली हैं आई वॉज एक्सपेक्टिंग जिसका मुझे उम्मीद था वही था वो बट ओंट दैट मैन आउट ऑन द बाल्कनी अब फॉलर फिर से पूछ रहा है उससे क्या वो पर्सन जो बाल्कनी में गया वो फिर से नहीं आएगा नो से डावल नहीं आएगा ही ओंट रिटर्न वो रिटर्न नहीं होगा यू सी माई यू सी माई यंग फ्रेंड देर इज़ नो बाल्कनी वहाँ पर कोई बालकनी है ही नहीं तो किस तरह से उसने अपने मन में एक कहानी बनाया बालकनी का और बालकनी से अपने जासूसी वाले दिमाग से उस अनएक्सपेक्टेड uh, गेस्ट से कैसे बचा दिस वाज द स्टोरी दैट्स इट फॉर टुडे थैंक यू हैव अ नाइस डे